तो राहुल गांधी का जो बयान आया है उस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर का क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। और जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। इनके समय लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कला, संस्कृति और अपनी परंपराओं को एक बार फिर जगाने का काम किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम किया और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का काम किया। कांग्रेस ने अपने गौरवशाली इतिहास को सदा दबाने का काम किया और गुलामी की मानसिकता के साथ देश को चलाने का, यही अंतर है। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। तो सुना आपने, अब रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। केंद्र सरकार के जो दिग्गज है अब रिएक्शन देने लगे। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। खासकर राहुल गांधी जब भी देश के बाहर जाते तब इसी तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं, आखिर कांग्रेस को ये सब हजम क्यों नहीं हो रहा। अब इस तरीके की रिएक्शन, जाहिर सी बात है, जब वार होता है तब पलटवार भी होता है, उन सबके बीच अब इस तरीके से रिएक्शन होना लाजमी है। कांग्रेस ने गौरवशाली इतिहास को किस तरीके से बनाकर रख दिया है। राहुल विदेशों में जाकर सम्मान नहीं करते देश का, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।